क्या बाजार में उपलब्ध यंत्र असरदार हैं वास्तु दोष दूर करने के लिए? जी, यंत्रास बहुत पावरफुल होते हैं। ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का, प्रेयर्स का एक बहुत ही इफेक्टिव पार्ट है। दोस्तों, आपके घर में बहुत सारे वास्तु डिफेक्ट्स हैं, लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, कानूनी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, फिनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुत अवेलेबल होते हैं यंत्रास। हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली बहुत सारे यंत्र बनाए जाते हैं। फास्ट प्रेयर्स का यह एक मीडियम माना जाता है। बट क्या आप समझते हैं कि सभी यंत्र काम करते हैं? नहीं, 90% जगह पर यंत्र काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी पार्ट हम लेते हैं, अगर हम इसे ठीक तरीके से नहीं लेते तो वह हमारी लाइफ में अच्छा नहीं होता। हम समझते हैं ऐसा क्यों? यंत्रा को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो इसे हम मशीनरी कहेंगे, और मशीनरी को दोस्तों सबसे पहले इरेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसमें पावर दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, और एक ऑपरेटर चाहिए होता है, तभी वह मशीनरी आपको प्रोडक्शन दे पाती है। कुछ भी आपने प्रोड्यूस करना हो, आपको एक ऑपरेटर, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक अच्छी जगह चाहिए जिसमें आपकी मशीनरी इंस्टॉल हो सके। चलिए समझते हैं कि आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आपको एक ऐसा यंत्र लगाइए जिससे वास्तु डिफेक्ट्स ठीक हो जाएंगे। बहुत सी जगह पर हम देखते हैं कि यंत्रास अवेलेबल होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, टेलीविज़न शोज़ पर यंत्रास दिखाए जाते हैं, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को क्लेम किया जाता है कि सब ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि मार्केट से या कहीं से भी यंत्र लेकर के आने से और अपने मंदिर में लगाने से या किसी भी दीवार पर कील से लगा देने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। कैसे हो सकता है, मैं आपको समझाऊंगा। कभी भी जब हम यंत्र को बनाते हैं तो उसे बनाने का एक मुहूर्त होता है। देखिए, मुहूर्त निकाला जाता है पंचांग के अनुसार। बहुत ही अच्छे अच्छे मुहूर्त होते हैं, बहुत अच्छे लग्न होते हैं जिसमें उस यंत्रा की कार्विंग की जाती है। बहुत प्रकार के यंत्रास होते हैं, स्वर्ण पर भी यंत्र बनाए जाते हैं, तांबे पर भी बनाए जाते हैं, भोजपत्र पर भी बनाए जाते हैं, बहुत तरीके के यंत्र बनाए जाते हैं। वह यंत्र किस दिन प्रोड्यूस किया गया, किस समय प्रोड्यूस किया गया, किस मुहूर्त में किया गया और किसने इसको बनाया, यह बहुत डिपेंड करता है उसकी सक्सेस के ऊपर। मास प्रोडक्शन अगर हम यंत्रास की करते हैं तो वो कभी भी प्रोडक्शन वह मुहूर्तों के अनुसार नहीं हो सकती है। आपने उस यंत्र को जो कि आप मार्केट से लाए, अपने मंदिर में लगा दिया और एकदम भूल गए कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं, आप एकदम वर्किंग में आ गए और आपने एकदम ध्यान ही नहीं दिया कि यंत्र को भी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। आपका यंत्र एक मशीनरी है दोस्तों, उस यंत्र को आपकी पूजा की ज़रूरत है, सुबह शाम धूप बत्ती की ज़रूरत है, प्रसाद की ज़रूरत है, एक स्पेशल मंत्रा की ज़रूरत है जो कि यंत्र को एनर्जाइज करता रहता है डेली। तो अगर आप अपने यंत्र को सिर्फ मंदिर में रख के भूल जाते हैं तो वह यंत्र काम नहीं करता। दीवार पर टांगने से यंत्र काम नहीं करता, उसकी डेली पूजा, मंत्र जाप, स्तोत्र जाप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यंत्र को लगाइए, लेकिन उसे ऑपरेशनल रखिए, उसको आप एनर्जाइज जरूर करके रखिए। जी, क्या हो घर के मुख्य द्वार की दिशा? आपने पूछा कि कौन सी दिशा मेन डोर के लिए अच्छी होती है। देखिए, मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को यही बताना चाहूँगा कि सभी दिशाएं अच्छी हैं। क्या आप कहेंगे कि आपके परिवार में कौन सा मेंबर सबसे अच्छा है, कौन सा मेंबर अच्छा नहीं है, इस मेंबर को चूज़ मत कीजिए। आप एक फादर से ये बात करके देखिए कि उनके बच्चों में से कौन सा बच्चा अच्छा है। ही विल से एवरीबडी इज़ गुड, मेरे लिए सब बराबर हैं। वास्तु में दोस्तों 10 दिशाएं होती हैं, और क्या अगर हम एक भी दिशा को माइनस कर दें, एक भी दिशा को अगर आप हटा देते हैं तो क्या आपके घर की वास्तु ठीक हो पाएगी? बहुत गलत होगी। अगर हम ईस्ट डायरेक्शन ले लेते हैं आपके मेन डोर की और कहते हैं कि वेस्ट बिल्कुल गायब कर दीजिए, आपके घर से वेस्ट को काट देते हैं, डैट विल बी अ हैंडीकैप्ड
पर्सन, हैंडीकैप्ड हाउस हो जाएगा वो। तो मेरा यही कहना है हमेशा से कि मेन डोर किसी भी दिशा में हो, मेन डोर की जो डायरेक्शंस होती हैं वह आप डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली नहीं चलें, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली चलें। आपने मेन डोर के अंदर देखना है कि आपको क्या विजिबल होता है। जैसे ही आपने मेन डोर को किसी के यहाँ नॉक किया और आपको सामने टॉयलेट का दरवाज़ा मिलता है, तो क्या आप अच्छा फील करेंगे? Definitely not, आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। कभी कभी मैंने देखा है कि किचन बिल्कुल साफ नज़र आती है, हाउसवाइफ खाना बना रही है, जैसे ही विजिटर घर में आता है उसकी नज़र सीधा गैस स्टोव पर पड़ती है। तो फायर देखना जैसे ही आप एंटर करते हैं बहुत गलत माना जाता है, अपशगुन माना जाता है वास्तु में। इससे घर में लड़ाई झगड़े क्रिएट होते हैं, क्लैशेस होते हैं, हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बरकत ख़त्म हो जाती है। आप देखेंगे कि कभी कभी आप मेन डोर खोलते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, उनका बेड ठीक सामने नज़र आता है, इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, इससे आपकी लाइफ में इविल आई आ जाएगी। तो क्यों आप इन चीज़ों को बुलाना चाहते हैं? अगर आपको नॉर्थ की डायरेक्शन दे दी जाए और यह सब चीज़ें दे दी जाएँ तो आपकी वास्तु माइनस में पहुँच जाएगी। मेन डोर की फेसिंग कोई भी ले लेंगे, तो आपने यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी डायरेक्शन हो, ओवरऑल वास्तु मेन डोर की बहुत ठीक होनी चाहिए। दरवाज़ा खोलते ही आपको आवाज़ नहीं मिलनी चाहिए डोर से, उसको ऑयल कीजिए हिंजेस को। आपने दरवाजे के अंदर और बाहर कुछ नहीं रखना है ताकि उसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिले। दरवाजे को थोड़ा सजा संवार के रखिए ताकि एनर्जी बहुत अच्छी हो जाए। साउथ की दिशा हो या कोई भी दिशा हो, उसके अकॉर्डिंगली, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली अपने मेन डोर को आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा।